गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स टॉपिक हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एक्सरसाइज हमारी 3.4, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। और यहां हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था वो किस पे किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। मतलब ज्यादा हमारा था इस एक्सरसाइज में इलिमिनेशन मेथड। और ये जो हमें क्वेश्चन दिया स्टेटमेंट वाला और इसके ऊपर उन्होंने लिखा है इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, हमें न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सबट्रैक्ट करना है। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाएगी 1, इट बिकम्स 1/2। मतलब जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी हमारी 1/2 का। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन ढूंढनी है। और हमें दो सिचुएशंस दी हुई है, मतलब दो कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट पहले हमारे पास फ्रैक्शन, हमें पता ही नहीं है फ्रैक्शन कौन सी है, फ्रैक्शन हमें ढूंढनी है। लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन हमें ले ली x अपॉन y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, 1 ऐड करना है किसको, न्यूमिनेटर को। तो न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दो। और क्या बोला था, 1 सब्ट्रैक्ट करना है कहां से, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, न्यूमिनेटर आपको पता है ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो इसमें 1 ऐड करना है और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1। ये हमारी पहली कंडीशन थी। इसमें क्या था, न्यूमिनेटर में हमने 1 ऐड करना था, ऐड कर लिया, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट कर लिया, और हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1। पहली कंडीशन आ गई, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। x plus y is equals to divide कर रहा है, वहां multiply करेगा, x plus y is equals to y minus 1, x plus y, इस y को shift कर लिया, यहां 1 है, x plus 1, और y को इसे शिफ्ट कर दिया, माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, x माइनस y और 1 और 1 क्या बन गया 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन कैसे मिली, 1 ऐड किया न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट किया 1 कहां से, डिनोमिनेटर से, हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई 1। तो इसको सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, वैसे ही है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन पे क्या बोला उसने, इट बिकम 1/2, मतलब फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाएगी 1/2, कब, जब हम only add 1 to the denominator, denominator में 1 add करेंगे, numerator को वैसे ही रखना है, numerator आ गया x, denominator में y, 1 क्या कर दिया add, तो हमारी fraction क्या बन गई 1/2। थोड़ा इसको simplify कर लेंगे, cross multiply, 2x is equals to y plus 1 को 1 से multiply, 1 से करोगे तो वही रहेगा, 2x is equals to y plus 1, shift कर लिया, 2x minus y minus 1 is equals to 0, तो ये आगे पहली equation, ये आगे दूसरी equation, इनको solve करना है by elimination method से, elimination method या किसी एक variable को आपने eliminate करना होता है, मतलब remove करना होता है। तो हम सबसे आसान वाला तरीका कैसे होता है, x का कोएफिशिएंट, यहां x का कोएफिशिएंट, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे,
multiply equation first by 2 and equation second by 1 and then subtract. और फिर उसके बाद उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 को 0 से करोगे तो 0, और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 से करोगे तो सेम ही रहेगी, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट जब भी करोगे तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये 2x प्लस क्या है तो माइनस, ये y माइनस क्या है तो प्लस, 1 माइनस क्या है तो प्लस, 0 माइनस। इसको नहीं देखना आपने, 2x इसका साइन प्लस का था तो माइनस, y का साइन माइनस का था तो प्लस, 1 का साइन माइनस का था तो प्लस, ये 2x 2x कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 2y में से 1y निकलेगा तो y, बड़ा वाला माइनस का है तो साइन माइनस का, ये दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं और ये 1, ये भी प्लस के है, 5, 0 में से 0 निकलो तो 0, माइनस y इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू अभी 5, y की वैल्यू इधर पुट कर लो, put y equals to 5 in equation first, तो आ जाएगा हमारा x minus 5 plus 2 equals to 0, x minus 5 plus 2 plus minus minus 3 equals to 0, x is equals to 3, तो हमारी fraction क्या होगी, therefore fraction equals to x upon y, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5, चेक कर सकते हो जब 1 ऐड करोगे 3 और 1 4 और 5 में से 1 निकालोगे 4 upon 4 तो कितना आ गया 1, तो आ गया 1, वैसे सेकंड भी आप चेक कर सकते हो, तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, एग्जैक्ट। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था हमारा साइकिल का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.4, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे थे। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सबट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सबट्रैक्ट करना है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1। थोड़ा सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट होगी, फिर सेकंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2, मतलब हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/2, कब, जब हम ऐड करें, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल गई सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में x का कोएफिशिएंट, इधर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई, और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट, तो वहां से हमें y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहां पे पुट की, यहां भी कर सकते थे, तो वहां से x की वैल्यू आ गई, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई x upon y 3 upon 5, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, वैसे सेकंड पार्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, later
Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ये हमें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. फाइव इयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. एक कोई नूरी है और एक सोनू, उनकी एज के बारे में बताया हुआ है. फाइव इयर्स एगो, एगो मतलब पांच साल पहले, पांच साल पहले. नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी जो थी सोनू से थ्राइस थी, मतलब तीन गुना थी. सोनू की एज को आप तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें किसकी एज मिलेगी? नूरी की. वैसे ही सेकंड कंडीशन दी है, 10 इयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी क्या होगी सोनू से ट्वाइस, मतलब डबल एज की. जैसे सोनू अगर 10 साल के तो नूरी डबल हो जाएगी, मतलब 20 साल की. वैसे दी है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू. हमें बता रहे हैं नूरी और सोनू कितने साल के हैं, हमें पता नहीं है. तो हम एक्स ले लेते हैं नूरी, वाई ले लेते हैं सोनू. मतलब आज आज नूरी कितने साल की है, एक्स, और वाई ये सोनू की एज. इनको पहले फाइव ईयर एगो, एगो मतलब पहले, पांच साल पहले, पांच साल पीछे ले जाओ. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आज 10 साल का है, 5 साल पहले, 5 साल पहले वो कितने साल का होगा? 5. अगर आज कोई 15 साल का है, 5 साल पहले कितने साल का होगा? 10. कैसे मिला? माइनस कर लेंगे. वैसे ही x माइनस 5 हो गया, y माइनस 5 हो गया, 5 साल पीछे ले लिया. ये आपकी एज थी, 5 साल पीछे ले लिया, x माइनस 5, y माइनस 5. 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद प्लस हो जाएगा. एक्स और वाई आज की एज ले ली, 5 साल पीछे माइनस 5 हो गया दोनों की एज में, 10 साल आगे दोनों की एज में 10 प्लस हो जाएगा. तो इन दोनों में क्या रिलेशन बोला था? नूरी जो थी सोनू से थ्राइस थी, तीन गुना. मतलब इसको आप अगर तीन से मल्टीप्लाई करो तो वो किसकी एज बन जाती है? नूरी की. और 10 साल बाद इसको आप अगर टू से मल्टीप्लाई करो तो वो किसकी एज बन जाती है? नूरी की. तो ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट कंडीशन, वो आ जाएगी सेकंड कंडीशन. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स ईयर्स and the present age of Sonu equals to y years. 5 years ago, 5 साल पहले, पहले पीछे past में, तो कम होगी एज. एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 years. एज ऑफ सोनू वाई माइनस 5 years. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी थी वो सोनू से कितनी बड़ी थी? थ्राइस, थ्री टाइम्स. मतलब तीन से जब मल्टीप्लाई करोगे सोनू की एज को तो वो एज किसकी एज बन जाएगी? नूरी की. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15. x कांस्टेंट टर्म एक साइड कर सकते हैं, जो वेरिएबल वाली है वो एक साइड कर सकते हो. 3y इधर शिफ्ट कर लिया, माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10. तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट. वैसे ही वो थी 10 इयर्स वाली,
एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 इयर्स एज ऑफ सोनू वाई प्लस 10 इयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी जो थी सोनू से कितनी बड़ी थी ट्वाइस सेकंड कंडीशन में मतलब सोनू की एज को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसकी एज बन जाएगी नूरी की थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे इसको भी x plus 10 equals to 2y plus 20 कांस्टेंट टर्म एक साइड करो वेरिएबल वाली एक साइड कर ली तो आगे x minus 2y equals to 10 ये आगे इक्वेशन सेकंड अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप कर सकते हो सिंपलीफाई तो वहां से हमें इनकी एज आ जाएगी एक बार दोबारा देखते हैं 5 इयर्स एगो 5 साल पहले नूरी क्या थी सोनू से थ्राइस तीन गुना बड़ी थी तो 5 ईयर पहले आज की एज ले ली y x सोनू की ले ली y तो इनकी एज नूरी की एज 5 साल पहले x minus 5 सोनू की एज 5 साल पहले y minus 5 तो इनमें क्या रिलेशन था ये तीन गुना बड़ी थी मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा सिंपलीफाई किया इक्वेशन फर्स्ट वैसे 10 ईयर लेटर 10 साल बाद तो x plus 10 y plus 10 तो इनमें क्या रिलेशन था जो नूरी थी ट्वाइस थी किसकी एज से सोनू की एज से मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इसके बराबर तो इसको सिंपलीफाई किया तो हमें इक्वेशन सेकंड मिल गई अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से जहां आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 यहां पे भी x का कोएफिशिएंट क्या है 1 तो आप इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्योंकि इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल है तो हम इनको डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर सकते हैं पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे फिर इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनके साइन क्या होते हैं चेंज मतलब इक्वेशन फर्स्ट को नहीं देखते हैं सेकंड को देखते हैं ये साइन क्या है प्लस का तो माइनस आ जाएगा माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस पहला x और x कैंसिल ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है 3 में से 2 निकले तो y बड़ा क्या था माइनस का तो माइनस ये दोनों माइनस के हैं तो -20 माइनस माइनस कैंसिल y आ गया 20 y की वैल्यू आप यहां डाल सकते हो put y equals to 20 in equation first x minus 3 into 20 equals to minus 10 minus 10 plus 60 तो कितना आ जाएगा 50 तो ये present age अभी नूरी की तो सोनू की present age अभी 20 hence present age of Nuri equals to 50 years or present age of Sonu equals to 20 years यहां से हम चेक भी कर सकते हैं 5 साल पीछे ले जाओ Nuri 50 साल की है वो कितने साल की है 20 5 साल पीछे ले जाओ 45 ये भी 5 साल पीछे 15 थ्राइस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 45 वैसे ही 10 साल इनको आगे ले जाओ 60 30 ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 60 तो ये हमारा चेक भी हो गया तो ओके स्टूडेंट्स तो आज हमने देखा एलिमिनेशन मेथड्स पे तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओके स्टूडेंट्स थैंक यू